भैया आराम से। स्लिप हो रही है पूरी, असली बर्फ तो यहाँ पड़ रखी है, ऊपर और ज्यादा बर्फ है। किस तरीके से बोल रहा है भाई? क्या हुआ भाई? ऐसे फंसती है दो गाड़िया, ऊपर से बहुत स्पीड में आएगी ना गाड़ी। और वो कैसे बोल रहा है कि तू क्यों आया? हाँ वो मुझे बोल रहा, मैं अपनी साइड था वहाँ से आया, फंस गया बेचारा वहाँ भाई। बाद में बोलता है भाई उधर ले ऊपर, मेरे को उसने वहाँ जाने को बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि डाल दो गाड़ी, तब मैंने डाल दी, वरना वो लड़ने को आ गया था भाई। तो बस अभी हम लोगों ने अपनी टायर में कुछ कारनामे कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पे स्लो चेन तो है नहीं। और असली एडवेंचर अब आगे शुरू होता है, जो कि यहाँ से चोपता का सफर भाई बहुत ज्यादा कठिन रहने वाला है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज अपना डे टू है, जो कि आपको पता होगा कि मैं कल मतलब परसों निकला था गांव के लिए, एंड मैंने कल व्लॉग शुरू करा था, एंड देन उसके बाद हम आए थे देवरेताल। तो हमने आज सुबह देवरेताल एक्सप्लोर करा है, तो हमने आज देवरेताल एक्सप्लोर करा है सुबह, एंड अभी हम हैं चोपता वाली रोड पे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं चोपता, मे बी शायद तुंगनाथ जाए अगर ऊपर पूरा खुला हुआ तो। तो फिलहाल हम आ चुके हैं 21 किलोमीटर, एंड यहाँ से अपने को बचा है 12 किलोमीटर। ये वाला भाई बहुत प्यारा राउंड है भाई, एकदम पूरा बाइक बहुत प्यारी लीन होगी यहाँ पे। अब तो बाइक लेके नहीं आया, फिलहाल कार लेके आया हूँ, तो कार में चलता हूँ। एंड यहाँ से ना अपने को इसमें दिखना शुरू हो चुकी है रोडों पर, सामने कार भी खड़ी हुई है, भाई लोग सब वेट कर रहे हैं। भाई सब पूरी गाड़ी स्लिप हो रही है, गाड़ी स्लिप होने की सही में भाई पूरा पाला पड़ा है। आगे टर्न भी है यार तगड़ा वाला। ओए गाड़ी स्लिप हो रही है पूरी, भयंकर असली बर्फ तो यहाँ पड़ रखी है, ऊपर और ज्यादा बर्फ है। वो बोले थे ना वो मैक्स वाले कि गाड़ी खड़ी कर दो और हमारे गाड़ी में जाओ, चैन वाली गाड़ी में। किस तरीके से बोल रहा है भाई? इसको कौन बोल रहा था? क्या हुआ? फंस गई ऐसे, फंसती है दो गाड़िया, ऊपर से बहुत स्पीड में आएगी ना गाड़ी है, और ब्रेक मारी तो पूरी स्लिप, पूरी लोडिंग कर रखी फुल भाई, और बहुत स्पीड में आया उस मोड़ पे, और भाई ब्रेक मारी सीधा वहाँ बच गया बस। लेकिन कोई कोई नहीं, ऊपर से बहुत बदतमीजी से बोल रहा था। बाकी ये देखो भाई प्राइवेट नंबर वाले भी आ रहे हैं, देखो यूपी वाली गाड़ी है, लेकिन वही है कि जो जा रहा है अपने रिस्क पे जाओ। बाकी जो टैक्सी वाले यहाँ पे होते हैं ना, मैक्स बुलेरो वाले, तो उनकी गाड़ियाँ सारी नीचे लगी है, और वो बिल्कुल भी शेयरिंग में लेके नहीं आते, उनका पूरा बुकिंग चार्ज होता है पूरी गाड़ी का। और वो कैसे बोल रहा है कि तू क्यों? हाँ वो मुझे बोल रहा, मैं अपनी साइड था, इस साइड भी रोड, मेरी साइड में भी रोड पूरी क्लियर है, और वहाँ से आया फंस गया बेचारा वहाँ भाई। बाद में बोलता है भाई उधर ले ऊपर, मेरे को उसने वहाँ जाने को बोला, वो तो जो यहाँ पे लोकल थे उन्होंने बोला कि डाल दो गाड़ी, तब मैंने डाल दी, वरना वो लड़ने को आ गया था भाई। तो बस अभी हम लोगों ने अपनी टायर में कुछ कारनामे कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पे स्लो चेन तो है नहीं, और मैं ये नायलों की रस्सी लेके आया था घर से, तो ये बांधते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है कार। और इवन इसमें ना सीन भी क्या है कि जो टायर के निशान जो है ना, वो एक साइड के लिए, मतलब वहाँ से कोई आएगा या फिर यहाँ से कोई जाएगा। इस साइड तो हम पे सिंगल सिंगल बची हुई थी, हमने काम चलाने के लिए इतनी बांध दी है, बाकी इस साइड हम पे डबल डबल है, तो शायद मे बी इससे काम हो जाए। और आगे ज़्यादा स्नो है तो देखते हैं अभी क्या होता है। एंड भाई कपड़े गंदे हो चुके हैं पूरे, तो फिलहाल निकलते हैं। तो बस इतना ही हिस्सा बचा पाए किशन भाई और किशन भाई की गाड़ी का मोए मोए। बाकी भाई अभी ऐसा है ना कि रूम निकालने का, हम लोग पूरी गाड़ी से लेके आ चुके हैं, एक बार पीछे से पूरा रिदम बना के। हाँ वो ड्रोन शॉट के चक्कर में फंस गए, और बस एक छोटा सा फंदा ही बचा पाए हैं। अब लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं, लाइव हो जाता है कैप्चर अभी मेमोरीज है मेमोरीज। वाओ यार जो पेड़ों में बर्फ पड़ी हुई है ना, जो बर्फ रुकी हुई है देखो पेड़ों के ऊपर, क्या मस्त लग रहा है ना, क्रिसमस वाला फीलिंग आ रहा है मुझे तो, मस्त ऐसा लग रहा है दिसंबर है, बहुत सुंदर लग रहा है।
ऑलराइट एवरीबॉडी, हम पहुंच गए अपने आज की डेस्टिनेशन चोपता में। अपना सामान वामान रखने के बाद चोपता जाएंगे, जहाँ से सनसेट देखेंगे, और अगर चांसेस रहे, अगर बर्फबारी कम रही, तो हम ऊपर तुंगनाथ मंदिर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और ये बता दें कि जो जगह है बनिया कुंड है, यहाँ से अप्रोक्स टू मेन चोपता है ना, वो 3000 किलोमीटर के आसपास है। तो देखेंगे अगर प्रॉपर ऊपर जा पाएंगे जाएंगे, वरना अदरवाइज हम नीचे वापस आके यहीं पे स्टे करेंगे अपना। बाकी अपने को सनराइज भी कैप्चर करना है आज, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत प्यारा होता है सनराइज, और सनसेट होता है बहुत प्यारा, तो वो कैप्चर करना है। और आगे रोड की कंडीशन भी काफी स्लिपरी है, अपने टायर वायर बांधे आपने देखा होगा अभी तक, टायर में नायलॉन की रस्सी वस्सी बांधी, काफी धक्का उक्का लगाने के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आगे देखते हैं कंडीशंस किस तरीके से, उस हिसाब से हम आगे का प्लान बनाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ का ड्रोन शॉट दिखाते हैं और अपनी कैंप साइट दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ मत रुकने वाले हैं और कैसी बनिया कुंड कैंप साइट है। चलिए। हेलो। तो YouTube में मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाला हुआ है इस जगह का, जो कि बनिया कुंड है चोपता से 4 किलोमीटर पहले। तो कैसे यहाँ पे क्या स्टे है, कैसा मील है, क्या है, और सारा कुछ डिटेल वीडियो में है, जो कि ऊपर आई बटन में मैं दे रहा हूँ आपको, आप इजीली देख सकते हैं आराम से। अभी रुके एक जगह पे हम, जहाँ पे रोड पे बर्फ नहीं है एंड यहाँ पाला नहीं है इस साइड पे। तो अभी जब उठाएंगे ना दोबारा से गाड़ी, तो अच्छे से ग्रिप मिल जाएगी टायर को। बाकी अभी हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि जो उसकी ऊपर वाली रोड है ना, जब यहीं पे इतनी बर्फ है तो वहाँ पे कितनी बर्फ होगी, तो हम चेक कर रहे हैं ड्रोन उड़ा के कि भाई ऊपर ज़्यादा बर्फ ना हो रोड पे। ढाबे के पास ऑल्टो देख, और असली एडवेंचर अब आगे शुरू होता है, जो कि यहाँ से चोपता का सफर भाई बहुत ज्यादा कठिन रहने वाला है, क्योंकि भाई पूरा स्टीव है। तो देखते हैं अब जहाँ तक हम लोग जा पाए। वो कहते हैं ना, इश्क है तो रिस्क है, तो बस उसी इश्क के पीछे हम चले गए एडवेंचर करते हुए मेन चोपता में, सॉरी। और हम लोग बहुत ही क्रेजी वाइब होते हुए और इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर स्नो के पार करते हुए आगे जा रहे हैं, और देखते हैं कहां तक जा पाते हैं, आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें ब्लॉग में प्लीज। जैसे जैसे हम चोपता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। बाकी हम चोपता पहुंच चुके हैं, जो कि पूरा स्नो से कवर्ड है, सनसेट भी थोड़ी देर में होने ही वाला है। और हम लोगों ने सोचा था कि हम तुंगनाथ जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रखा है, ऊपर पूरा कवर्ड है। तो आप अभी दर्शन यहीं से ले लो, तो नेक्स्ट टाइम वी विल गो। तो अभी हम पहुंचे थे यहाँ पे, अपने को आधा घंटा हो चुका है भाई, एंड आगे से ना अपनी कार घुमा के ले गए वापस हम, क्योंकि आगे मेन चोपता है। एंड वापस हमको जब दिखा था स्टार्टिंग में, हम बहुत सही लोकेशन नहीं पता, यहाँ से प्रॉपर व्यू आ रहा है सनसेट का। तो वहाँ पे हमने मैगी वगैरह खाई है, पराठे खाए हैं, एंड अभी यहाँ से भाई जो बेहतरीन व्यू आ रहा ना भाई, मतलब अभी सूरज उस टाइम पे ऊपर था, धीरे धीरे करके इतना मतलब अपना रूप चेंज कर रहा है, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड उस साइड में ना वहाँ पे स्नो फॉल हो रहा है, वो पूरा ऑरेंज हो रखा है भाई, एंड यहाँ पूरा स्नो कवर्ड है एरिया, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे। देखो मेरा पैर चेक करना एक बार, ये तो फिर भी यहाँ पे कम है, शायद सेंटर में बहुत ज़्यादा हो। वैसे में क्या होगा ना, कुछ गड्ढा वड्ढा होगा देखिएगा, तो वहाँ पे रिस्की भी जाना, उस साइड फिर भी लोग गए हुए हैं, तो वहाँ पे सही है। और अभी थोड़ी ही देर में सनसेट का बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है, तो आपको मिलते हैं सीधा सनसेट के टाइम। तो जी अभी सनसेट हुआ ना, इतना प्यारा, मतलब सारे इसमें कलर मिक्स, गोल्डन, पिंक, रेड, सारे कलर में मिक्स है। बाकी भाई एक नंबर व्यू आया भाई, कैसा लगा? एक नंबर। अरे ग्राहकों कैसा लगा? मजा आ गया, मजा, वर्थ इट। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो बाकी अभी हम गए थे यहाँ से वापस 4 किलोमीटर, और हमने रात में वहीं पे अपना स्टे किया, और सुबह निकल गए देहरादून की तरफ अपने घर।